हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और अभी हम नहा के हटे हैं। अभी हम लोग तीनों आज अभी हाल स्कूल नहीं गया था। परी भी स्कूल नहीं गई क्योंकि इनकी चल रही है छुट्टियाँ, क्योंकि इनके स्कूल में लगा हुआ है सेंट्रल, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। और परी चला रही है रई, आज देखो परी रई चला रही है क्योंकि इसकी छुट्टी है। फिर घी तो मैं ही निकालूंगी क्योंकि घी नहीं निकालती, सिर्फ बैड लेकर उसको बैठ जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बेड पर बैठ के क्यों रई लगा रहे हो, क्योंकि भी बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी सोच रखते हैं और उनको सोचना भी चाहिए, उनको जवाब भी मिलना चाहिए। फिर तो बैड पर रई से लगाते हैं परी जी हम, एक तो ये करंट मार देती है कभी कभी, तो इसलिए बैड पर रखते हैं कि बैड पर, फिर बैड पर बैठेगी तो करंट नहीं मारेगी। दूसरी इसकी जो डोरी है वो छोटी है, वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। और जब रिस्क, जब जगह है बैठने के लिए, बैठ बैठ के निकाल सकते हैं, तो करंट का रिस्क क्यों ले हम, क्योंकि बहुत भयंकर वाला करंट मारती है जब मारती है। तो परी लगा रही है अभी रही और मैं लगाती हूँ आटा। तो मैं आटा लगा लेती हूँ। अब हो रहा है, अब बनेगा हमारे यहाँ दोपहर का लंच, क्योंकि आज हो गया लंच के लिए, वैसे लेट हो गया आज, वरना रही तो मैं मॉर्निंग में लगा देती हूँ। आज स्कूल नहीं गए थे ना, उस वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग था, वो पूरा किया तो देर हो गई। वैसे हमें घर में ही पीनी है तो किसी टाइम पी लो। तो अब मैं आटा लगाऊंगी। और परिधि, ओ आज तो हमारी छन्नी दब गई मेरे ख्याल से, इसके नीचे ही है आटा छान लिया छन्नी। मुझे लग रहा वो टंकी, मैंने आटा खाला और वो उसमें नीचे ही गिर गई। परी लगा रही है रही। और अभ्यास छन्नी मिली नहीं आपको, और आपने वहां पे वैसलीन छोड़ दी, वो ऑयल छोड़ दो तो उठा के लाओ। अभी आजी क्या करना है? दस रुपये क्या करना है? है इसको बस हर टाइम पैसे चाहिए। और साइकिल भी अपनी लेके नहीं जाता, ये छोटी साइकिल चलाने का मन क्यों नहीं करता फिर? आज अब वो ये लंबा हो गया कह रहा है, वो छोटी रह गई, अभी लंबा हो गया, इसका भी साइकिल का मन नहीं करता है अब। और अभी हाथ जा रहा है अब। ओ फैन क्यों चलाया ऊपर का? हाँ, और अपना गिरती भी है फिर और ये इनकी साइकिल से चलाते हैं, अपनी साइकिल चलाते, बड़ी साइकिल चलाता है पापा जी की अपनी। पर दिखा रही है मुझे घी आ गया कि नहीं आया, लेकिन आप ज्यादा पानी गिर देना इसमें। अभी हाथ कर रहा है मेरी वीडियो बनाओ, मैं जा रहा हूँ साइकिल पे। हाँ वीडियो ना स्पेशल एक लड़की की गई थी, माया लोहानी, शायद ऐसी कुछ उसकी आईडी है। वो कहती है कि यूपी के लोगों को, यूपी की औरतें कहाँ खेत में जाती हैं, कहाँ काम करती हैं, उनको क्या पता काम क्या होता है। तो मैडम जी आपको बता दूं, तो यूपी की जो औरतें होती हैं ना, वो तो गांव में गन्ने की छिलाई भी करती हैं, जो शायद आपने कभी करी भी नहीं होगी, ठीक है। और कितनी डिफिकल्ट होती है ना वो, आपको जिस दिन खेत में जाऊंगी ना उस दिन आपको दिखा दूंगी। और रही मेरी बात, तो जब मेरे घर वाले, अगर मुझे, मेरे हस्बैंड मुझको नहीं लेके जा रहे खेत में और मुझको नहीं डालते मेरे ऊपर का कोई प्रेशर कि मैं खेत का काम करूं या कुछ करूं, तो फिर मैं क्यों करूं? जो मेरे घर में करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं क्यों करूं, मुझे ये बता। जब मेरे घर में करने वाले हैं, मेरे नहीं कराते मेरे ससुराल वाले मेरे से कुछ काम। पहले तो मैं गांव में देखो रही नहीं हूँ कभी, हमेशा शहर में रही हूँ, फिर भी ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकती हूँ, चाहे वो घर का हो, खेत का हो, गांव का हो, और चाहे वो दूध निकालना हो, चाहे वो घास करना हो गाय भैंसों को, चाहे वो खेत में कुछ भी काम करना हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम जो है ना, वो इंसान पेट से सीख के नहीं आता है, वो सारे काम अपने घर पर ही सीखता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे काम मैंने कभी करे भी नहीं थे, घी निकालना हो, कुछ भी हो गया, टूजेड मैंने कभी नहीं करे, क्योंकि मैं हमेशा शहर में रही हूँ, कभी गाँव में रही नहीं हूँ। लेकिन जब अब गाँव में रहना पड़ रहा है तो गाँव के हिसाब से भी रहती हूँ और गाँव के भी सारे काम करती हूँ, ए टू जेड, चाहे वो कुछ भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि ये घर मेरा है तो यहाँ के सारे काम भी मेरे ही हैं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड नहीं कराते मुझसे ऐसा कुछ भी काम, क्योंकि तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने की खेती वगैरह है ना, इसको करने के लिए ना हमारे यहाँ ना नौकर आते हैं हमेशा, वो आ जाते हैं सितंबर में आ जाते हैं, और फिर वो गेहूँ कटवा कर मई में जाते हैं, ठीक है। तो सितंबर से मई हमारे यहाँ नौकर रहते हैं, वो कराते हैं सारा काम खेत का। हाँ फिर 2 महीने अपने घर रहते हैं और फिर आ जाते हैं वो। तो हमारे यहाँ जो काम होता है ना, ये खेत वेत का, ये सब
मेरे घर में तो ये कर लेते हैं, बाकी जो औरत होती है ना जिनके मतलब जो थोड़ी एजेड सी हो जाती है, हम तो अभी देखो नए हैं, जो एजेड सी हो जाती हैं, जो 40 40 प्लस हो जाती हैं, तो वो जाती भी है अपने हस्बैंड के साथ खेत में और वहां पर काम भी कराती हैं। और कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि इस दिन मैं नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड घर पर हैं तो अगर खेत में जाना है तो मैं भी उनके साथ खेत में जाती हूँ। आपने देखा भी होगा मैं लास्ट टाइम गई भी थी, 1 वीक हुआ है गई भी थी, और मैं जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खेत में जाना, क्योंकि वहाँ पर जो वातावरण है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, खेत में जाना, वहाँ घूमना, वहाँ ट्वेल चलना बहुत अच्छा लगता है मुझे सारे काम, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो में देख भी लोगे तो मैडम जी ऐसा कोई काम नहीं है कि ये तुम कि ये वो कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा कुछ कि ये काम वो कर सकते हैं, ये फिर ये कर सकते हैं। और अब परी को खाना है गुड़, और गुड़ भी हमारे यहाँ तो घर से ही होता है, हम लोग बाजार से नहीं जाते हैं, तो जब जब गन्ना जाता है ना हमारे यहाँ से, तो ये गुड़ जो है ना ये हमारे घर बनता है, जब गन्ना जाता है तो गन्ने खेती होती है, गन्ने से ही गुड़ बनता है, तो हमारे यहाँ तो गुड़ हमेशा रहता है, क्योंकि सर्दी सर्दी गुड़ खाते हैं खाने के टाइम, खाने के साथ गुड़ मट्ठा रोटी मक्खन यही होता है हमारे यहाँ का खाना मॉर्निंग का, सुबह का ब्रेकफास्ट का ये होता है ब्रेकफास्ट का हमारा खाना, मट्ठा मक्खन गुड़ और रोटी। और परी देख रही है अब टीवी और मैं अब रोटी बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। और जो कहते हैं ना बच्चों पे ध्यान दिया करो, देखो ये सब मेरे बच्चों के टंगरे हैं, सिर्फ इस रूम में देखे हैं अभी आपने, और बहुत सारे सर्टिफिकेट इनके जो रखे हैं, जो अब तक इंटरनेशनल लेवल तक परी जा चुकी है, नहीं परी थी इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी है राइटिंग कॉम्पिटिशन में, जबकि ये जब ये फर्स्ट क्लास में थी, जब इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट आई थी ये, और जबकि ये लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड से लिखती है, तो मेरे बच्चों पे उंगली बिल्कुल मत उठाना भूल कर भी, ठीक है, मेरे तक सीमित रहा करो, मेरे बच्चों को मत जाएगा, मैं किसी के बच्चों पर नहीं जाती हूँ, तो मेरे बच्चों को भी उंगली उठाने की मत सोचा करो कभी भी, क्योंकि जब मैं उठाने पा गई ना फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो मत बोला भी उतना ही करो जितना कि तुम सहन कर सको, फिर आगे तुम में सहन करने की शक्ति हो, उससे आगे भी बोलने की मत सोचा करो। तो एक बार मैं आटा लगा लेती हूँ फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आप बोल लो। मम्मी निकाल रही है घी और मैंने परी ने आज क्या कर दिया, घी तो निकाला लेकिन परी ने आज को नुकसान कर दिया, परी ने नुकसान भी कर दिया कि परी ने रई की जगह वो कर दिया, गर्म पानी किया तो गर्म पानी से घी है ना वो पिघल गया, और मुझे ना पापा क्यों क्यों ठाकुर ठाकुर पापा हिल रही क्या मेरी भाई बना मुझे हो गया है? मेरा घी जो है वो निकल गया है, अब ना थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि हम ना गाय का दूध सब डेयरी पे जाता है, ओनली भैंस का दूध जो है ना उसको ही बुलाती हूँ मैं, तो भैंस जो है ना वो दोबारा से ही ब्याने वाली हो रही है, तो वो अब दूध कम हो रहा है उसका, तो इसलिए घी भी कम निकल रहा है, उसका घी भी कम निकल रहा है, लेकिन हमारे लिए इनफ होता है। कई बार तो अभिराज अपनी ना मैम के लिए मट्ठा लेके जाता है, उसकी मैम को मट्ठा अच्छा लगता है, क्योंकि शहर वालों को होता है जो मट्ठा नहीं मिलता है उन्हें, तो उन्हें होता है मट्ठे का, तो अभिराज अपनी मैम के लिए ले जाता है और मैं दे देती हूँ, अभिराज की मैम मांगे थे परी की मैम मांगे उनको मट्ठा दे देती हूँ, कोई भी मांगता है मैं दे देती हूँ मट्ठा, लेकिन जब हमारे से एक्स्ट्रा है तो किसी के अगर काम आता है कोई पीना चाहता है तो उसको दे देना चाहिए। तो अब मैं बनाऊँगी, मैंने गैस चला दी है, मैं बनाऊंगी रोटी, तो किसी ताऊ जी खेत में से आ गए हैं, जब वो खेत में से आते हैं जब भी रोटी बनाती हूँ गरम गरम, उससे पहले नहीं बनाते, चाहे वो 3 बजे आए चाहे वो 4 बजे आए चाहे 2 बजे आए, और एक गैस पे मेरी रोटी बनती रहेगी और साथ में एक गैस पे मेरा दूध गरम हो जाएगा, तो फिर मिलती हूँ आपसे रोटी बनाने के बाद, और जिसको लंच करना है वो आ जाइए हमारे घर, लंच रेडी हो गया है फ्रेंड्स, खाना वाना खा के हम हो गए हैं फ्री और अब बच गए हैं 3, और अभिराज कर रहा है उल्टे सीधे काम, नहा धो के इसको पता नहीं क्या लगा रहता है, पहले मेरी चप्पल दो, आपकी चप्पल मेरी आ कैसे गई देख, तो चप्पल मेरी अभिराज ने पहन ली, अब आप चप्पल पहनो, आप नंगे पैर रहोगे, और ये होते हैं
ये होते हैं गोले, मतलब कि जो ईख पे से आते हैं, गन्ने से आते हैं। ठीक है, ये घास गाय खाती, भैंस खाती है। और भैंस जो है वो अपनी बैठ के जुगाल रही है आराम से। भैंस गर्म हो रहा होगा, नीचे तो जा, चलिए फटाफट नीचे तो जा। चप्पल, ये है चप्पल आपकी ब्लू वाली? अच्छा, और ये देखो, ये हमारी इस पे जो पेंटिंग हो रही है ना, ये पेंटिंग की थी मैंने, क्योंकि एक्चुअली व्हाइट था, सॉरी कैमरे पे आ गया, ये व्हाइट कलर का था, व्हाइट भी निजारी लकड़ी थी, मतलब जो लकड़ी होती है ना मोटी सी, वो थी ये लकड़ी। लेकिन हमने सोचा कि व्हाइट अच्छी नहीं लगेगी, तो उस पर क्या किया जाए, तो हमने इस पे पेंट बचा हुआ था जो घर पे पेंट हुआ था, उन सबसे इसके ऊपर आर्ट कर दी। और अब ये दूर से ना अच्छा लकड़ी से अच्छी लगती थी, अब ये सुंदर लगता है ऐसे डिजाइन लगा हुआ इस पे। और जो आज का घास है गाय का भैंस का, वो कट गया है, और इससे होगी गाय भैंसों को अब सन्नी, और ये कल के लिए हो गया है। बाकी सब बैठे हैं आराम से, ये इनका है, यहाँ सब इनका राशन रहता है, मैंने पहले भी दिखाया था, ये सब राशन जो है, ये जितने भी राशन है सब गाय भैंसों का है। अब तो आधा हो गया है, मैंने एक दिन पहले दिखाया था आपको। और ये सब बेचारी अभी बैठी हैं, अब इनका घास होगा, पहले मैं चाय बनाऊंगी, फिर इनका घास होगा जो कि इसके ताऊजी करेंगे। ट्रैक्टर पे कहाँ जा रहे हैं आप? ट्रैक्टर चला रुक जा। जाना कहाँ है ट्रैक्टर पे? हैं? एक सवारी। अभी नहीं चला लेता है अभिराज ट्रैक्टर, अभिराज जो है ना हमारा ट्रैक्टर चला लेता है, अभिराज ट्रैक्टर चला लेता है हमारा। तो फ्रेंड चले चलते हैं किचन में चाय बनाने के लिए, इनका दोनों को लगा रहेगा। ओ ट्रैक्टर सच में चला रहा है अभिराज, अभिराज लेके जा रहा है हमें ट्रैक्टर पे, अभिराज से आता है ट्रैक्टर चलाना, सच में रियल में चला लेता है ये, जब खेत में जाते हैं ना तो उसके पापा इसको दे देते हैं, फिर चला लेता है। लेकिन घर में कहाँ चलाएगा, घर के तोड़ना है तुम्हें चला के ट्रैक्टर बेटा। तो परी से धक्का दिला रहा है, परी तो धक्का दे और मैं चलाता हूँ, और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। हटो अभी जान दो बेटा। तो फ्रेंड्स अब तक आपने जो वीडियो देखी, तो ये उस वीडियो का एंड नहीं हो पाया था, तो उस वीडियो का अब एंड करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक तो मैंने बता देता जो जिनको मैंने वीडियो बनाई है, ये जो बोलती हैं कि यूपी की औरतें खेत में काम नहीं कर सकती सिर्फ वीडियो बनाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, और उनको मैंने बता दिया है। और दूसरी बात ये जो है, ये एक और बंदे के लिए है जो बोल रहा है, स्प्राइक के नाम से उनका चैनल है, एक दो शॉर्ट वीडियो डाली हुई हैं, उनका कहना है कि परी ब्लॉग को आप बोलना सिखा दिया। तो मैं उनको एक बार बता दूँ, मैं आपा करके ही बोलती हूँ, ठीक है, मैं कभी तुम्हें गाली दे के नहीं बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन जैसा बोलोगे ना वैसा ही पाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप मेरी फैमिली को बीच में लाओगे, मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को लाओगे और उनके ऊपर गलत बोलोगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको इज्जत दूंगी, आप से बोलूंगी तो नहीं, ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे, मेरे तक सीमित रहोगे। तो मैं हमेशा आप करके ही बोलती हूँ, मेरी किसी भी वीडियो में सुन लेना, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड पे या मेरे बच्चों पे जाओगे तो फिर तू करके ही सुनोगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस कुछ से सुनना चाहते हो, मेरे मुँह से तू लैंग्वेज यूज करना चाहते हो या आपसे। ये तो है नहीं कोई मुझे गाली देगा और मैं उसको आप करके बोलूंगी, ऐसे तो नहीं होगा। अगर आप अच्छे से बोलोगे तो मैं भी अच्छे से बोलूंगी, लेकिन अगर आप तू तड़ाक से बोलेंगे तो उसके बदले में आप भी तू तड़ाक ही सुनेंगी। तो करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।